भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में एक भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा प्रशासन की जानकारी के बिना ही घर घर जाकर अवैध तरीके से आम जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है। मतदाता सूची को हाथों में लिए यह लोग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आम जनता इसको चुनाव आयोग के कर्मचारी समझकर इन पर विश्वास भी कर लेती है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि ये लोग जो सर्वे का कार्य कर रहे हैं, इन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में, और ना ही इनका मेडिकल हुआ है, फिर भी ये लोग बड़ी संख्या में आम जनता का डाटा एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने कहा कि यह कार्य कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के इशारों पर किया जा रहा है। इस कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इस आपराधिक कार्य करने वालों और करवाने वालों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पार्षद बबीता रघुवंशी, प्रकाश जैन, शशिकांत मावर, नरेंद्र सेंगर, साहिल शर्मा, सतीश खेतवा, सज्जन सिंह शेखावत, रुपेश ठाकुर, जाकिर गुड्डू, नरेश यादव, राजकुमार साहनी, आशीष वोरा, विजय सिंह सिसोदिया, आदित्य रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। पूरे नगर में एक सर्वे के नाम पे कुछ लोग घर घर जा रहे हैं। अब घर घर जा रहे हैं, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अब एक तरह से क्या निर्वाचन का एक हवाला दे के बात करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सामने वाले का डाटा कलेक्ट करने का प्रयास भी करते हैं, तो ये गैर कानूनी तरीके से। फिर क्या है कि निर्वाचन की एक जो प्रक्रिया है, अब उसमें कहीं ना कहीं इनका हस्तक्षेप ये है कि ये खुद का डाटा बड़ा कलेक्ट करके अब हम सेकेंड फेज में शिकायत भी करेंगे, हम भी इकट्ठा कर रहे हैं डाटा कि आज मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरा वोट कहाँ है, पता पड़ा अतुल का वोट जहाँ रह रहा वहाँ भी नहीं है, जहाँ पहले था वहाँ भी नहीं है। तो एक दिग्भ्रमित करने का काम पूरा किया जा रहा है। हमारा आपसे पूरी भारतीय जनता पार्टी है, हम सबका आग्रह ये साहब कि इस पर तो जाँच होनी चाहिए और जो लोग ये डाटा कलेक्ट करने के लिए घर घर जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब वो ले दे के जो भी हवाला देते हैं, फिर वो पुलिस विधायक बोलते लो साहब बात करो विधायक जी के यहाँ से। अब विधायक जी किस प्रकार डाटा कलेक्शन करा रहे हैं भाई, ये भी एक सोचने वाला विषय। फिर जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी एजेंसी के मार्फत है, उनका डाटा कलेक्ट करने का इरादा क्या है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे निर्वाचन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं बाधित होगी आगे पीछे। 2018 के चुनाव में नागदा नगर में बहुत बड़ी संख्या में नाम काटे गए थे, अब उसमें भी इस तरीके की भूमिका बोलती, जब उस टाइम भी लोग इस बात को पकड़ नहीं पाए थे क्या कि घर घर सर्वे किया, सर्वे करके इन्होंने पहले खुद का डाटा कलेक्ट किया और फिर तुरंत अपने लोगों को लगा के आपत्ति लगा के नाम कटवाया गया। एक तरह से एक मतदाता का अधिकार छीनने का प्रयास भी, एक उसका मताधिकार है उसको मतदान करने से वंचित करना एक तरह का अपराध भी है। तो इस पे हमारा ये आग्रह साहब को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और जो लोग ये सर्वे के लिए जो लोग निकले हैं नगर में उनको तो रोक के बिठा के बात करके और वैधानिक कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ये हमारा पूरा विषय लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हार की बौखलाहट शायद अभी से दिखने लग गई है, इसलिए अब वो आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो टारगेट करते ही हैं, अब वो आम जनता को टारगेट करने लग गए। 1500 लोगों को टारगेट कर दिया इस शहर के। अब इन आम लोगों की क्या गलती है यार बिचारों की, जब वोटिंग होगी तब होगी। ये अब कोई तय है क्या, ये 1400 लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले? पर मुझे लगता है कि शायद परिस्थितियां अब सामने आने लग गई है और स्पष्ट हो गया है कि क्या होने वाला है, इसीलिए उसी की ये बौखलाहट है। यह संबंध में मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बनाए थे तहसील कार्यालय में, और उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कोई प्राइवेट एजेंसी है जो घर घर जाकर सर्वे कर रही है और मतदाताओं की जानकारी निकाल रही है। और एक और चीज़ उनके द्वारा अपनी शिकायत को लेकर आया गया है कि एक शिकायत जो की गई उसमें करीब 250 लोगों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि लोगों की शिफ्टिंग की कार्रवाई की जानी चाहिए, नाम काटे जाने चाहिए। और इस संबंध में हम लोग बीएलओ के माध्यम से जांच करा रहे हैं और ऐसे यदि कोई जो भी नाम यदि कटते हैं तो नियमानुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी नाम जोड़ने के उपरांत। और जो भी है भारत निर्वाचन जो के जो आयोग के निर्देश है उसके अनुक्रम में हम लोग कार्रवाई निष्पादित करेंगे, क्योंकि इस पूरे नागदा विधानसभा जो नागदा खाशोद विधानसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम खाशोद रहते हैं पदे, तो उसमें इस संबंध में इनको भी अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई है।
इस संबंध में ऐसी कोई परमिशन एसडीएम कार्यालय से या फिर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय एसडीएम खाचरों से जारी नहीं की गई? जी, भारत माता की जय। आज हम लोग सब मिलकर हमारे नागदा नगर के नोडल अधिकारी और हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब आशुतोष गोस्वामी जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से एक विषय पर जानकारी देते हुए बड़ी गंभीरता से जांच करने के लिए निवेदन भी किया है। पूरे नागदा नगर में अभी कुछ लोग घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। वो सर्वे की टीम जाती है, आधार कार्ड देखती है, वोटर आईडी कार्ड देखती है, उनकी उनका घर का अता पता जानकारी, कौन है कौन नहीं है, पड़ोस में कौन है पड़ोस में कौन नहीं था, कब से बाहर है, किसकी शादी हो गई, सब पूरा एक डाटा कलेक्शन का काम चल रहा है। कुल मिला के कांग्रेस के मित्र इस शहर को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के मित्र इतना बड़ा घोर अपराध करने का काम कर रहे हैं। एक मतदाता जो अपने विचार को, वैचारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अपना मत का दान करता है, उसे उससे वंचित करने का घोर अपराध करने का काम कांग्रेस के मित्रों ने आज नागदा नगर में किया। और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब इस कृत्य के मुखिया हैं। उनके नेतृत्व में काम पूरे नागदा नगर में चल रहा है। 2018 में उन्होंने पूरे नागदा नगर से डाटा कलेक्ट करके बहुत तरीके से निर्वाचन को शिकायत की थी, और निर्वाचन को शिकायत करके बहुत प्लानिंग के साथ में जागरूक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में कटाए थे। आज हम एसडीएम साहब से मिले और हमने भी जब इनसे बात की, चर्चा की, ये पता चला कि कम से कम 1400 से 2200 लोगों के नाम काटने का प्रयास कांग्रेस के अध्यक्ष के लेटर पैड पर शिकायत के रूप में एसडीएम महोदय को यहाँ पर दिया गया। और इनका निवेदन है एसडीएम महोदय से कि इनका नाम मतदाता सूची से काटा जा सके, ताकि ये लोग अपना मत का दान, अपना मतदान ना कर सके। ऐसा घोर निंदनीय अपराध करने का काम कांग्रेस के मित्र नागदा शहर को कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, केवल अपने अंतिम समय पे आके केवल शातिर दिमाग चलाकर कैसे मतदाताओं को प्रभावित करना, मतदान को प्रभावित करने का काम करते हैं। और बीएलओ जितने भी काम कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, उनके क्षेत्र में यदि कोई इस प्रकार का डाटा कलेक्शन का काम हो रहा है तो उस पर उनको भी चिंता जाहिर करना चाहिए। किस एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, किसकी परमिशन के माध्यम से हो रहा है, क्या शासन प्रशासन की निगरानी में डाटा कलेक्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों का जानकारी बीएलओ को होना ही चाहिए। और मैं शहर के जागरूक मतदाताओं से निवेदन करता हूँ, यदि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आपके पास आता है, बात करता है, तो और बात है, क्योंकि वो अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को, विचार को आपके बीच रखता है। यदि कोई आकर आपसे मतदान, मतदाता व निर्वाचन की बातें करके आपसे आपका डाटा कलेक्ट करने का काम करता है, उससे आप सबको सावधान रहना चाहिए, उन्हें अपने दरवाजे से भगाना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो आप अपने क्षेत्र के एसडीएम को या संबंधित थाने पे इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, यदि कोई जबरदस्ती या दबाव बनाकर आपसे डाटा इकट्ठा कर रहा है या आपकी जानकारी ले रहा है। और शहर के मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव तक नाम घटने और बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। हम सबको इस बात की जागरूकता रखना चाहिए, क्योंकि हम एक जागरूक मतदाता हैं, तो हमें अपने मतदान करने से पूर्व हमारा नाम अपनी मतदाता सूची में है कि नहीं है उसकी चिंता करना चाहिए। यह बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपका मतदान, आपका एक वोट अपने समूचे प्रदेश, देश व आसपास के क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।